कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा। और मिडवे में ना मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी जैसे होने लगी और उन्होंने सबको डिनर पे बुलाया, सब माने कौन। साउथ इंडियन मूवी है जिसमें शाहरुख खान को कास्ट किया गया। अरे YouTube पे तो 20,000 लोग देखते हैं। ओ गैंग इज हियर, क्या बात है। हेलो हेलो अंजना, अभी मतलब कुछ लोग ही शॉपिंग करने वाले, सब तो नहीं करेंगे, बट उस साइड चल गए धुले की शॉपिंग, शूज की शॉपिंग, इस साइड लिए जा रहे हैं। शादी वाली फीलिंग आनी चाहिए ना भाई। भाई तू फुल फील ले रहा है और मेरे को ना बाकी सब शॉपिंग में व्यस्त हुए और मामा जी आ गए। देख के ऐसा कर रहा है पता नहीं कितनी ज्यादा गर्मी होगी बाहर। सॉरी मेरी थोड़ी आवाज दबी दबी आ रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका है, उसकी वजह से मैं थोड़ा अभी रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। सडन आप सोचोगे शिमला से चंडीगढ़ कैसे आ गए, तो आपको जैसे मैंने बताया था गाइस पिछले ब्लॉग में कि हमने कहीं जाना है, तो बेसिकली हमने जाना था गाँव बट वो कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और थोड़ा मौसम भी खराब हो गया था, बारिश हो गई थी एकदम से शिमला में। बट उसके नेक्स्ट डे मम्मा और पापा गांव चले गए थे और मैं और भैया चंडीगढ़ आ गए थे क्योंकि मम्मा और पापा को जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पापा को चौपाल में एक काम था वो निपटाना बहुत ज़रूरी था। और फिर हमने सोचा तब तक हम चंडीगढ़ आ जाते क्योंकि मुझे भी एक दो काम है जो यहाँ निपटाने ज़रूरी है और उसके लिए आज हमने बाहर भी जाना है भाई। सबके दौरान में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, आते हुए शूट कर पाया ना, मतलब वहाँ शिमला में शूट कर पाया अच्छे से क्योंकि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि पता नहीं भाई क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी ऐसा लग रहा है गले में खराश हो रही है, कभी ऐसा लग रहा है साइनस भरा हुआ है, कभी ऐसा लग रहा है कि शरीर हर कुछ भारी हुआ हुआ है, सारे शरीर में दर्दें हो रही है और यही नहीं हर टाइम पे कुछ अलग अलग हो रहा है भाई, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ भी रहा है बट फिर से वो सुबह को रिपीट हो जाता है, मतलब अगर अब दवाई से आराम नहीं पड़ा तो डॉक्टर के पास चले जाऊँगा दिखाने। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं भाई ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैं तो सुबह को उठ चुका हूँ, मैं काम कर रहा था सुबह से लेकर, खाते सबसे पहले फिर निकलते हैं भाई अपने काम के लिए। अब समझ नहीं आ रहा भाई इतनी धूप में हाल माड़ा होने वाला है। फाइनली रेडी हो चुके हैं हम निकलने के लिए। तो आज का आउटफिट मेरा ऐसा कुछ है भाई, देखो ये नई शर्ट जो मैंने आज तक नहीं पहनी थी, मैंने सोचा इसका भी श्री गणेश किया जाए, तो ये ऊपर से मैं पहन रहा हूँ शर्ट, नीचे से अपनी एज यूजुअल ब्लैक ट्राउजर्स, साथ में है भाई ये नई घड़ी, ये मैंने आपको शायद नहीं दिखाई थी, मेरी नई परचेज है ये भाई, मुझे काफ़ी अच्छे, मतलब सच बताऊँ तो मैंने ये दो घड़ियाँ ली थी काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी घड़ियाँ मिल चुकी थी मुझे, लकोस्टे की है भाई बट वर्थ इट है टोटली। बाकी भाई भी रेडी हो चुका है, बस वो भी आ रहे हैं। अपना आप जब उसको देखोगे ना मैं और उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा क्योंकि शर्ट्स थोड़ी ऊपर से अलग है बट नीचे से पैंट्स बिल्कुल सेम है ब्लैक और जो शूज होने वाले भी ऑलमोस्ट सेम है वाइट। बाकी बस वो आने जल्दी जल्दी फिर निकलते हैं क्योंकि काम निपटाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था, ये देखो ये मेरा पुराना सूटकेस है बट इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, इसके जब खराब हो चुके हैं, इसका लॉक खराब हो चुका है, तो इसकी जगह अब मैं सोच रहा हूँ ये वाली ले जाऊंगा मुंबई क्योंकि ये ठीक है, वर्किंग है, जब अच्छे से वर्क कर रही है, लॉक अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तक ये शिमला में थी क्योंकि इस पे सारा भाई का सामान था जो भाई शिमला ले गया था, फिर इस बार हमने सोचा ये ना साथ में ले आते क्योंकि फिर इसका जो सामान है मेरी इस वाली सूटकेस का सामान है उसमें ट्रांसफर कर जाएगी, कर देगा और ले जाएगा भाई। तो अब आप सोच रहे होगे ऑल ऑफ अ सडन मैं तैयार हुआ था बिल्कुल घर से निकलने के लिए कि काम करवाने जा रहे, बट मैंने उसके बाद कुछ दिखाया नहीं है आपको क्योंकि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि जाते जाते ना मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे फीवर चढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है मेरा शरीर, बट मैंने सोचा कोई नहीं जाने देते अभी वापस आके देख लेंगे, ज़्यादा ही हुआ तो दवाई खा लूँगा। तो हम निकले और मिडवे में ना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसे होने लगी, शिवरिंग जैसे होने लगी और ऐसा लग रहा था शरीर टूट रहा है, तो मैंने सोचा भाई जल्दी चलते हैं काम करवाते हैं और जल्दी से जल्दी वापस आते हैं क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये फीवर मुझे ऐसे ही चढ़ता रहा था तो भाई मेरे बुरे हाल होने वाले। जैसे हम यूनिवर्सिटी पहुंचे वहां अपना काम करें और एकदम से हम घर वापस आ गए, वरना मैं और भाई ने आज प्लान किया था कि आज बाहर घूमेंगे फिरेंगे, छोटे मोटे और काम थे वो निपटाएंगे और खाएंगे पिएंगे आराम से, बट कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। घर लौटे हमने कुछ मैंने कुछ खाया फिर दवाई खाई, आज मैंने एंटीबायोटिक खाई है भाई, तब जाके मुझे लग रहा है भाई कि मेरे अंदर शक्ति आई है, थोड़ी एनर्जी आई है, वरना शरीर ऐसा टूटा टूटा लग रहा था ना लिटरली, क्या ही बताऊं भाई। मतलब अभी मैंने कैमरा क्यों उठाया है, अभी मैंने कैमरा इसलिए उठाया गया क्योंकि आज हम जाने वाले हैं
रोनी भैया के घर, क्योंकि बुई और मामू आए हुए और उन्होंने सबको डिनर पे बुलाया। अब अक्षय भाई, उनके मम्मी पापा, डेजी दीदी, जीजू, भाभी जी सब आए हुए अक्षय भाई की शॉपिंग करने, शादी की शॉपिंग करने। तो वो लोग भी सारे के सारे यहीं पर है भाई, तो उन सबको भी बुलाया, साहिल और अंजना भाभी को बुलाया। तो आज मतलब बड़ा गेट टुगेदर होने वाला है भाई। अब ऐसी गेट टुगेदर होते भी रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है शादी बहुत नज़दीक आ गई है, तो ये सब तो चलता रहेगा भाई। तो इसलिए आज एक और गेट टुगेदर है, तो बस हम निकलने वाले हैं बुआ के घर। हेलो जी, हेलो नमस्कार मामू, कैसे है? क्या चल रहा है? देखो आज क्या चल रहा है, YouTube पे तो 20,000 लोग देखते हैं। अभी इतने लोगों से घबरा गया है। खाना बनना देखो अभी शुरू हो ही रहा है भाई, बटर छिले जा रहे हैं, अभी तड़का लगेगा फिर बनेगा, हम जल्दी आ रहे हैं। क्या वो गेस कर रहे हैं कौन सी लोकेशन काफी खतरनाक? ओहो गैंगिस यार, शादी वाली गैंगिस यार भाई, शॉपिंग करके लग रहा है, तकड़ी शॉपिंग करके आए लोग भाई। ये ले 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 भाई, लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई। थैंक यू भाई आपने बताया। डाउट क्लियर करना जरूरी है, वरना लोग बोलेंगे बताया नहीं, बताया नहीं, फिर मतलब ऐसे मिस करवा दी थी इम्पोर्टेंट चीज। कड़वे कैसे? सॉरी, करेले कैसे? कड़वे कैसे? आप कैसे बन गए? कैसे बन गए यार? ये देखो यहाँ पे भाई, ये देखो ये तीन, ये तीन सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, तो मतलब आवाज मुश्किल से निकल गई है, तभी अभी गर्म कर रहा हूँ पानी ताकि थोड़ा आराम मिले गले को। फिर उसके बाद है प्लान, देखो कल रात थे हम बुई के घर पे डिनर पे, और आज भी अभी भी हम जा रहे हैं बुई के घर ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि उन्होंने कल रात को बोल दिया था कि ब्रेकफास्ट करने भी आना, कुछ स्पेशल बनाएंगे। मैं ठीक है जी आ जाएंगे, तो बस उसके लिए अभी निकल रहे हैं भाई, रेडी हो रहे हैं, अक्षय भाई वगैरह भी रेडी हो रहे हैं। जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे वो हमें मैसेज करेंगे, फिर निकल जाएंगे साथ में ब्रेकफास्ट करने। बोला उन्होंने 10 बजे के लिए था, बट अब आप टाइम देख सकते हो 11 बज रहे हैं, तो कोई नहीं, थोड़ा लेट हो गया, बट सबसे पहले मैं गर्म पानी पीता हूँ ताकि मैं अपने गले को आराम मिल जाए। तो गाइस फाइनली बुई के घर से हम ब्रेकफास्ट करके आ गए थे। मैंने थोड़ी सी क्लिप दिखाई है, बढ़िया हमने भाई छोले चावल चपाती खाई, साथ में चटनी, क्या चटनी बनाई थी बुई ने, वाह यार मज़ा आ गया। मतलब मुझे ना पनीर टिक्का याद आ रहा था जब मैं वो चटनी खा रहा था लिटरली भाई, बट मज़ा आ गया खाना खा के। अब आ गया हूँ मैं वापस, और अभी जस्ट निकल रहा हूँ मैं कहीं और के लिए। कहाँ? अब देखो प्लान बना है, हम इतने सारे लोग हैं तो सब ने अपने अपने काम से जाना है, जाना एक ही जगह है बट जाना अपने अपने काम से। अब देखो शादी आ रही है नज़दीक, तो शादी की शॉपिंग करनी भी ज़रूरी है। तो देखो बुई मामू भी शॉपिंग करने आए थे, अक्षय भाई वगैरह वो तो शॉपिंग करने आए ही थे, बाकी जो साहिल और अंजना भाभी है वो भी जा रहे हैं भाई, तो मैं भी उन लोगों के साथ जा रहा हूँ, सबके साथ शॉपिंग पे। तो देखते हैं आज कौन क्या देखता है क्या नहीं, वो तो भाई आपको मतलब आगे जाकर ही पता लगेगा। बट आज हम सब निकलने वाले एक साथ 17 सेक्टर, तो देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं। ये देखो भाई, हेलो, ट्रैक्टर और बस आपस में चिपक चुके हैं, वो इसलिए बाइक वालों को जगह दे रहा है बस। हाँ जी मैं करा चुका हूँ, थैंक यू। अभी
भाई अभी फिलहाल हम आए हैं 28 सेक्टर, क्योंकि जीजू को अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाना था, जैसे कुछ डेंटिंग पेंटिंग थी, थोड़ी ड्राई क्लीनिंग थी, वो करवानी थी, तो उसके लिए हम 28 सेक्टर आ गए। तो अभी फिलहाल हम आए, सिर्फ दो गाड़ी आई है, एक रोनी भैया की जिसमें मैं और रोनी भैया, एक आई है जीजू की जिसमें डेजी और जीजू है, जो बाकी लोग हैं बुई मामू साहिल अंजना भाभी अक्षय भाई नेहा भाभी क्या से मम्मी इंद्रवीर पापा वो सारे बाद में आएंगे, वो मतलब वो पीछे से आ रहे हैं और वो हमें डायरेक्ट मिलेगा अब 17 सेक्टर जहां हम करेंगे शादी की शॉपिंग। तो बस यहां जीजू की गाड़ी लगवा रहे हैं हम, उसके बाद हम सारे निकल जाएंगे 17 सेक्टर। तो देखते हैं बाकी क्या रहता है क्या नहीं। अभी रश दिखाओ इस मार्केट में। तो ये मार्केट है बेसिकली जहां पर आपकी डेंटिंग पेंटिंग होती है स्पेशली उस साइड को, बाकी यहां पर आपकी वो भी है अगर आप एक्सेसरीज वगैरह लगाना चाहते हो, टायर्स वगैरह चेंज करवाना चाहते हो उसकी मार्केट भी है, और बाकी ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवानी है उसकी मार्केट भी है। तो बेसिकली 28 की मार्केट में हम आए हुए जो बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ है, देख रहे हैं 28 का पेट्रोल पंप उसके बिल्कुल साथ है। बट रश देखो भाई आज खतरनाक रश है भाई, गाड़ी लगाने तक की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमने पार्क किया साइड में दोनों गाड़ी अपनी, बस इनका काम करवाते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं 17 सेक्टर, अब हमने जीजू की गाड़ी पकड़ा दी है काम करवाने के लिए। बाकी अब जो बाकी लोग हैं हमारे वो तो पहुंच चुके हैं, बस हम लोग बचे थे, हम तीन लोग मैं जीजू और रोनी भैया, तो हम भी पहुंच चुके हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं फिर निकलते हैं साथ में शॉपिंग करने, देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं। अभी मतलब कुछ लोग ही शॉपिंग करने वाले, सब तो नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे उससे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना अभी भाई, क्योंकि फिर अपने लिए ये होता है कि हम क्या लेंगे भाई अपने लिए, तो देखते हैं क्या। फाइनली 17 सेक्टर हम आ चुके हैं, एक अपनी फैमिली चाय अच्छा, तो जी एक अपनी फैमिली घूम रही है इस साइड, एक घूम रही है अपनी इस साइड, ये लोग यहाँ पीने आए चाय, ये लोग निकल रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए, उस साइड चल रही है धुले की शॉपिंग, शूज की शॉपिंग, इस साइड चल रही है अपने पुराने धुले की शॉपिंग, हुआ हुआ धुला तो अपने शूज देख रहे हैं। तो जी फाइनली वी आर एट मोची, क्योंकि हमारे मामा जान ने अपने लिए एक जूता लेना था, तो मैं सोचा मामा जान यार आप तब तक अपने लिए देख लेते हैं, बाकी लोगों को करने देते हैं शॉपिंग। तो जी अभी आए थे हम क्रॉक्स, अब क्रॉक्स में इसलिए आता क्योंकि मेरे कुछ बैजेस थे, कुछ क्या एक बैच था जो गुम हो चुका था, तो मैं सोचा था उसकी जगह कुछ ले लेता हूँ, बट एक तो मैंने वही रिपीट कर लिया जो पिछला गुम हुआ था, वैसे ही एक सेम ले लिया, बाकी दो और भी लिए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब उसमें लगाऊंगा ना तब दिखाऊंगा, फिर बताना कैसे लग रहे हैं। तो भाई अभी आ रहे हैं हम टेंट सेटर से, तो यहाँ पर देखो अब ऐसा है कि सब ना बंट चुके हैं आपस में, अब जो अक्षय भाई वगैरह वो अलग शॉपिंग कर रहे हैं, फिर बुई वगैरह थे वो अलग कर रहे थे, तो अभी हम बुई वगैरह के साथ यहाँ थे टेंट सेटर में, पर भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है सब ने, जैसे कि हमारे भांजा साहब भी ये भी मान नहीं रहे, ये एक के बाद कुछ ना कुछ लिए जा रहे हैं, शादी वाली फीलिंग आनी चाहिए ना भाई, तो फुल फील ले रहा है, और मेरे को ना जेलेसी हो रही है कि मुझे भी कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए भाई, जूते ले गए हम डायरेक्ट। अरे क्या बात है भाई, अब जूतों की बातें भी कर रहा है। बाकी सब शॉपिंग में व्यस्त हुए और मामा जी आ गए हैं सिंधी में कुछ खाने, क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही थी भाई, बाकी कहीं चलने को तैयार नहीं थे, मैं हम भी जा रहे हैं, हमने मंगवाया अभी मसाला डोसा, मसाला नहीं पनीर डोसा, क्योंकि हेल्दी खाना है इसलिए बस पनीर डोसा खा रहे हैं अभी, साथ में हमने कुछ और भी मंगवाया वो खाएंगे फिर निकल जाएंगे। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, मैं आ गया था अपने घर कपड़े चेंज करने, और अभी हमने डिनर करने फिर से बुई के घर जाने बेचारे बुई, और बाकी मैं आपको दिखाने वाला था एक चीज़, अब मैंने आपको बताया था क्रॉक्स के लिए मैंने थोड़े बहुत बैजेस खरीदे थे अपने लिए, तो वो क्या खरीदे कौन से खरीदे नए नए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, सबसे पहले देखो ये वाला ना मेरा गायब हो गया था, तो मैंने सोचा मुझे फिर से चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फिर जो मेरी नई एडिशन है वो है एक तो ये, ठीक है, और एक है ये, इन तीन हो गया हर एक क्रॉक्स में, देख रहे हो ना हर एक पेयर में हर एक क्रॉक में ना तीन तीन हो गए, तो मैं इसलिए आज तीन खरीदे ताकि मैं चाहता था कि ये तीन तीन का सेट बन जाए इसके ऊपर, वरना पहले मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि दो तीन चलाऊं तो चलेगा, बट नहीं मैंने ये सोचा है तीन तीन का तो होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तभी मजा आएगा। अब ऐसे कुछ लग रहे अपने क्रॉक्स बताना कॉमेंट सेक्शन में कैसे लग रहे, और आपको कौन सा सबसे प्यारा बैच लगा है। अभी मैं सोच रहा हूं यार जब तक मतलब डिनर के लिए जाना है ना, अभी तो है बतेरा टाइम, अभी 7:30 हुए, तब तक मैं सोचूं एडिटिंग वगैरह निपटा के रखता हूँ ताकि रात के लिए वापस के लिए भोजना पड़े, क्योंकि अब पता नहीं होता है यार आपको कितना टाइम लगेगा परे, क्योंकि जब हम पिछले कल भी गए थे ना हमने सोचा था कि जल्दी फ्री होके वापस आ जाएंगे, बट भाई आते आते हमें ऑलमोस्ट 1:30-2 बज गया था, इतना परिवार इकट्ठा हुआ है तो बातें भी होती है चीज़ें भी होती है, तो चलो पहले एडिटिंग निपटाते हैं फिर चलते परे की तरफ।